प्रकृति में निगेटिव आयन्स होते हैं और वो निगेटिव आयन्स हमारे बॉडी के लिए सुटेबल्स होते हैं। तो प्रकृति में हम जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं, पेड़ पौधों के पास जाते हैं, सूर्य प्रकाश में जाते हैं, बहते पानी के पास जाते हैं, इस किसी भी तरह से प्रकृति के पास जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे भीतर जो पांच तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, तो मिट्टी का तत्व, पानी का, जल का तत्व, इनको संतुलित करने में प्रकृति काफ़ी यूजफुल होती है। और अग्नि तत्व है तो सूर्य के सामने जाना होता है। पांचों तत्व संतुलित हो जाए तो रोग, हमें बहुत सारे रोगों से यूं ही छुटकारा हो जाएगा। सर, जब भी हम बात करते हैं प्रकृति से जुड़ने की, तो काफी लोगों को ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि प्रकृति से कैसे जुड़ा जाता है, प्रकृति से कैसे बात की जाती है और इससे हमें कैसे फायदा होगा। मैं चाहूंगी कि आप दो तीन पॉइंट्स बताइए कि किस तरह से प्रकृति से जुड़ा जा सकता है। प्रकृति पे और प्रकृति का हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें बहुत रिसर्च हो चुका है। अभी कल भी मैं IIT दिल्ली में रिसर्च हुआ उसको भी मैंने देखा है। फाइटोनसाइट, निगेटिव आयन्स, निगेटिव आयन्स सोडियम पे पॉजिटिव आयन होते हैं और क्लोराइड पे निगेटिव होते हैं, वो निगेटिव आयन, निगेटिव मतलब वो नकारात्मक नहीं, वो केमिस्ट्री के लैंग्वेज निगेटिव आयन्स। प्रकृति में निगेटिव आयन्स होते हैं और वो निगेटिव आयन्स हमारे बॉडी के लिए सुटेबल्स होते हैं। तो प्रकृति में हम जाते हैं, खुली हवा में जाते हैं, पेड़ पौधों के पास जाते हैं, सूर्य प्रकाश में जाते हैं, बहते पानी के पास जाते हैं, इस किसी भी तरह से प्रकृति के पास जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे भीतर जो पांच तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, तो मिट्टी का तत्व, पानी का, जल का तत्व, इनको संतुलित करने में प्रकृति काफ़ी यूजफुल होती है। और अग्नि तत्व है तो सूर्य के सामने जाना होता है। पांचों तत्व संतुलित हो जाए तो रोग, हमें बहुत सारे रोगों से यूं ही छुटकारा हो जाएगा। यानी कि प्रकृति से ही आप हैं, अगर आप प्रकृति से दूर हो जाएंगे तो आपको कुछ कुछ समस्याएं अपने शरीर पर दिखाई देंगी। प्रकृति के साथ ज्यादातर समय अपना बिताइए। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं उनकी क्या है समस्या। जी पूछिए अपना सवाल, कहाँ से है आप? जी सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ जी मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। हाँ, रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ, दिल्ली से, विशुवाड़ा से। जी हाँ जी मैडम, ये है ना, एक्चुअली मेरे को ना दो प्रॉब्लम है। एक तो हार्ट बीट बहुत कम है मेरी, 45 है, और दूसरी है प्रॉब्लम हर्नियों की। जी। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? वैसे मैं अपना वो तो योगा भी करता हूँ, प्लस आपका जो मेडिटेशन है वो भी करता हूँ, PMC द्वारा इससे कनेक्टेड हूँ, करता रहता हूँ। हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें आपने जो बताएं उसमें हार्ट को ऊपर काम करना ज़्यादा जरूरी है। हार्ट बीट कम होना वो अच्छी बात नहीं है, पूरे बॉडी में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो रहा है। तो मैं आपको इसके लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारी छोटी उंगली की लाइन में कलाई पर है। इस ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज किया करें 2-2 मिनट दिन में 3-5 बार। इसके अलावा आप योग में कपालभाति प्राणायाम किया करें, भस्त्रिका प्राणायाम किया करें, जिसमें हमें थोड़ा सा एक्सर्शन लगाना पड़ता है। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसका फोटो आप खींच के रख लें। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप कभी कभी पीली हल्दी या लाल रंग भी लगा सकते हैं और पीली हल्दी, पीला रंग भी लगा सकते हैं। अल्टरनेट डे एक दिन लाल रंग और एक दिन पीली हल्दी लगाएं। जो लाल रंग लगाएंगे तो वो आपके हार्ट रेट को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, और पीली हल्दी मतलब हल्दी लगाएंगे तो ये आपके हर्निया को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दिन में हम कभी मसाज कर सकते हैं। साथ ही आपको सूर्य प्रकाश में थोड़ी देर बैठना चाहिए, पीठ सूर्य के प्रकाश की तरफ पीठ करके, या कैसे भी अगर आप सामने भी कंफर्टेबल हैं तो वैसे पीठ करके हम बैठ सकते हैं, और सूर्य प्रकाश से 15-20 मिनट ध्यान किया करें। सूर्य प्रकाश से अर्ली मॉर्निंग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी टाइम कर सकते हैं, टाइमिंग का उतना बड़ा इशू नहीं है। 15-20 मिनट सूर्य प्रकाश में बैठना जरूरी है। सूर्य प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आएगा तो सूर्य प्राण बढ़ने से भी हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़िया होगी। तो हार्ट अच्छा हो जाए वो ज़्यादा जरूरी है, पहले एक इशू पर काम करें। हर्निया के लिए बाद में आप सवाल पूछिएगा। ST7 करने से भी आपको तो वैसे थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है, हमारे पैर में पॉइंट आता है हर्निया का, लेकिन आज अभी सिर्फ आप एक पर काम करें। अच्छा, दूसरा सर, एक ना जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ ध्यान नहीं प्रॉपर लग पाता। योग निद्रा का अभ्यास आपने सुना होगा, योग निद्रा का अभ्यास किया करें। 1 महीने आप सिर्फ योग निद्रा पे फोकस करें, योग निद्रा अगर अच्छे से करेंगे, शरीर का शिथिलीकरण ठीक से होता है तो फिर ध्यान भी लगता है।
जी सर, सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक कॉल पे मौजूद हैं। आइए पूछते हैं, कहाँ से हैं वो सर? अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप और अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं लखनऊ से नरेश सिंह बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना सर। आंख में मोतियाबिंद की जो शुरुआत हो जाती है, इसमें हल्का धुंधला दिखने लगता है, इसका क्या उपचार है?